तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपाती पर। मेरा नाम है पम्मी, मुसम्मी पर चूरन लंगड़े घोड़े पर। यस, आज से हमारे चैनल का नाम होंगे लंगड़े घोड़े। नाम तो याद रहता है नहीं, बना लो 500 चैनल जोर। और आज हम रिएक्शन देंगे माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे लकी मोमेंट्स पर जो कि आप बिलीव नहीं करोगे कि एक्चुअली हो भी सकते हैं। पर एनीवेज गाइस, आगे बढ़ने से पहले लेट्स गेट 200,000 लाइक्स। आज का लाइक का टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़ा, तो प्लीज कर देना। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दूं। और ये गाइस हमारी माइनक्राफ्ट की एकदम से मस्त वाली दुनिया। और अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे अपना लक टेस्ट करना है। मेरे को पता है कि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत अनलकी बनता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपना लक टेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक नेदर पोर्टल। तो ये रही फट 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 फट, और मुझे सिर्फ देखना है कि अगर मैं नेदर पोर्टल लिट करता हूं और अंदर घुसता हूं तो क्या मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर समन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जहां तक कि मेरा लक जाता है ऑब्वियसली नहीं होऊंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 1 सब्सक्राइब = 500 साल का लग। फटाक से अंदर घुसे तो क्या ये नेदर फोर्ट्रेस है इसकी आगे खाइयां, मतलब कि लक देख रहे हो, मतलब कि यहाँ से बाहर निकले और सीधा पाताल में। ये होता है अपना लग माइनक्राफ्ट में। और यार गाइस हमारी आज की सबसे पहली वीडियो जो कि ये बंदे लेके आ रहे हैं, तो यार थैंक यू सो मच। और अभी ये बंदा जा रहा है बिल्कुल डेजर्ट के अंदर, तो यहाँ पर ऑब्सिडियन इसके हाथ में है और जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, 100% ये भी अपने लिए यहाँ पर नेदर पोर्टल बनाने वाला है। और जैसे ये नेदर पोर्टल लिट करेगा ना, आई थिंक ये एकदम से समन होगा बैस्टियन के अंदर। एक ब्लॉक और एंड फाइनली तेरे को लिट करनी है। अभी तेरे को वहां पर कॉबलस्टोन लगाने की जरूरत नहीं है, डेकोरेशन बाद में कर लियो। ऑलराइट, तो घुसा नेदर पोर्टल के अंदर। अभी मुझे इसका लकी मोमेंट देखना है और देखने की इसके साथ एक्चुअली हुआ क्या। और एकदम से नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका है। भैंस की आंख, अबे एक बंदे का लक कितना खतरनाक हो सकता है। ओके, अभी आ चुका है गाइस दूसरा बंदा। तो उसने यहाँ पर डेजर्ट के अंदर ये कोई खुदाई कर रहा है, डिग डाउन कर रहा है। भाई मत कर भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर डिग डाउन करना। स्केली, ओ भाई भाई ये बच गया। अगर एक ब्लॉक इसने मिस कर दिया होता ना तो सीधा पाताल में गया था, और इसको माइन शाफ्ट भी मिल गई। कैसा लक लेके आते हैं, जरूर सुबह उठ के मेरा चैनल देखा होगा इन लोगों ने, तभी इनका लक अच्छा हो रहा है। और अभी आ चुका दूसरा बंदा, और ये भी पागलों की तरह डिग डाउन कर रहा। मत कर डिग डाउन, अबे एकदम मशहूर होता है माइनक्राफ्ट के अंदर डिग डाउन नहीं करते, चोबू मरेगा। ये गया, ये भाई क्या चांसेस है इसके, व्हाट द हेल, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार। अभी गाइस एक बंदा आ चुका है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। तेरे पास सामने स्पॉनर पड़ा हुआ है, तेरे पास टॉर्चेस भी है, टॉर्चेस जाके इसके ऊपर रख, चोबू कहीं के और निकल गई। अभी तेरा कचूमर यहीं पे बनाएगी, फटाफट से मार इसको, इससे पहले कि 500 और आ जाए इसको यहीं पर खत्म कर दे। स्पॉनर तोड़, लेट्स गो, बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई, ये कोई लॉजिक, ये लॉजिक है क्या। और अभी गाइस मैं आ चुका हूं स्पेक्टेटर मोड के अंदर, और ये रहे गाइस हमारी पोर्टल। सिर्फ 3 पड़ी है मेरे लिए, सिर्फ 3 पड़ी है, उसके लिए पूरी 12 की 12 पड़ी हुई है यार। और उसके बाद हैंग ऑन अ सेकंड, ये एंडरमैन लिटरली कैक्टस लेके जा रहा है, वो भी हाथ से पकड़ के। भैंस किया, जब हम कैक्टस को पकड़ते तो पूरा डैमेज देता है हमको। बट एनीवेज गाइस, इस बंदे का मेरे को लक चेकआउट करना है। सामने इसके आ चुका है पिरामिड, और जहां तक कि मेरा शक जा रहा है इसकी चेस्ट एकदम से डायमंड के साथ भरी होंगी। एंड ऑब्वियसली लकीएस्ट मोमेंट्स के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो या ये पॉसिबल है भाई। लास्ट वाले बंदे की पूरी पोर्टल एकदम से लिट थी, और ये देखो एकदम से पूरा डिग डाउन कर रहा है। और अभी अगर ये चेस्ट खोलता है तो ये देख लो भैंस की, डायमंड पे आयरन, साथ में एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल इसको मिल गया भाई। कितना रेयर आइटम है माइनक्राफ्ट की, उसको ये ऐसी मिल रही है। और दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक कि तीसरे के अंदर भी एन्चेंटेड एप्पल होगा। होली मोली, साथ में डायमंड, चौथे के अंदर नहीं। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, हम खुद पिरामिड के अंदर जाएंगे और टेस्ट करेंगे अपना लक। और अभी मेरे को टाइप करना लोकेट डेजर्ट पिरामिड एंड लेट्स गो। और अभी देखते हैं कि डेजर्ट पिरामिड के अंदर हमारे लिए क्या होता है। और ये देखो हमारी किस्मत, पिरामिड भी आधा डेजर्ट के अंदर है। मतलब कि अगर मैं यहां से जा रहा हूं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं अपने मजे में, तो मेरे को ये चोबू नजर भी नहीं आएगा। और अपना लक देख रहे हो, अंदर जाने की जगह भी नहीं, सिर्फ एक होल खुला हुआ है। तो अगर मैं एग्जांपल मैं यहाँ से भाग भाग के आ रहा हूँ और मैंने जंप मारी तो सीधा मेरी आधी हेल्थ तो यहीं पर ही चली जाएगी। और अगर मैं नीचे जाके देखूं और चेस्ट खोलूं तो मेरे को एक्चुअली द एमरल्ड मिले। नाइस, दूसरे चेस्ट के अंदर ये देखो रॉटन फ्लैश मिल रहा है मेरे को, तीसरे के अंदर रॉटन फ्लैश, साथ में गोल्डन एप्पल, चौथे के अंदर रॉटन फ्लैश।
उसको एन्चांटेड गोल्डन एप्पल और हमें सड़ा हुआ मांस। तो क्या आज माइनक्राफ्ट के अंदर इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो उसने रॉड खींची और इसकी इन्वेंटरी के अंदर आ चुकी है मेंडिंग प्लस पीएसिंग 4 डबल चीजें। ओके अभी मेरे को भी ये ट्राई करो। तो एक काम करते फटाफट से मैं चला जाता हूँ यहाँ पर अपने सर्वाइवल बोर्ड में। एंड क्या जगह बनी हुई है यहाँ पर। बट एनीवेज जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना। हमारी मछली या हमारी मेंडिंग की किताब अभी आने वाली होगी भाई। आई कैन फील द किताब कमी और पानी की पार्टिकल्स भी एकदम ऊपर नीचे हो रहे हैं। फट से खींच। फिशी बिजनेस, रॉ सैल्मन, एटलीस्ट कुक तो कर दिया करो यार। ऑलराइट, तो ये जोर जहाँ पर खेल रहा है और नेदर के अंदर आ चुका है। लेट्स गो। इसके पास अंडे पल्प। अरे बाप रे, बेस्टियन, वो भी लावा के अंदर। नहीं भाई, कितने लकी हो रहे माइनक्राफ्ट के अंदर बंदे। एकदम नया वर्ल्ड इसने अभी लॉन्च किया अभी। और माय गॉड, आते ही इसके पास रूइन पोर्टल आ चुकी है। ओबे, तीन ऑब्सीडियन। अरे 20 सेकंड के अंदर गाइस, इसने 20 सेकंड के अंदर नेदर के अंदर पहुंच चुका है। 20 सेकंड के अंदर। आई डोंट थिंक कि ड्रीम के पास भी इतना खतरनाक लक होगा। और ड्रीम की बात की और ड्रीम ही आ गया। ड्रीम ने जैसे पोर्टल खोली नेदर के अंदर। नाइस, आई मीन फोर्ट्रेस के अंदर। और ये बंदा आ चुका। No. कैसे हो सकता है यार, ये तुम कैसे कर रहे हो? कोई ना कोई फंडा यहाँ पर है भाई। उसकी पूरी पोर्टल एकदम से लिट थी। और ये बंदा भाई ब्लेस से लड़ रहा है भाई। विदर स्केल्टन भी इसके पास आ चुकी है। बेस किया कुछ ने, एक विदर स्केल्टन मारा, उसको दो स्कल मिले। मैंने 200 मारे तभी मेरे को दो नहीं मिले। देख रहे हो लक अपना कितना खराब चल रहा है। और एक और विदर स्केल्टन आ चुका है। एक और मिल गया उसको। ये देख रहे हो, मेरे को लगता है कि मैं कभी कभी गलत गेम में आ चुका हूँ। ऑलराइट, अभी एक बंदा नेदर के अंदर घूम रहा है। और वो देखो, एंडर पर्ल उसने फेंक दिए। चोमू पिगलिन, अभी और नहीं दे सकता। ओह माय गॉड, 3 टाइम्स पर्ल्स इन अ रो, व्हाट द हेक मैन। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट द हेक, तू क्या कर रहा है? द फोन। ओ गया 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 गया, मरेगा मरेगा। ओह माय गॉड, लेट्स गो। एक हार्ट पे उसने हाइपिक्सल बैड वॉर के अंदर विक्ट्री ले ली। एक हार्ट उसके पास। Very lucky start to a speed run. 19 obsidian उसको मिले, 19. What? ये क्या चीज़ से ढूंढ ली? तो guys, इस चीज़ का नाम है Farlands. Farlands generation. अब मेरे को पता भी नहीं कि Minecraft के अंदर ये चीज़ होती भी है कि नहीं होती, लेकिन ये अपने वर्ल्ड के अंदर मैं जरूर ढूंढूंगा। अभी guys, मैं फिर से Minecraft के अंदर आ चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं लोकेट बायोम, तो क्या मैं Farland बायोम लोकेट कर सकता हूँ? ओके, Farland बायोम लोकेट करना भाई, मेरे को एक्चुअली देखने की वो रियल लाइफ में होती भी है कि नहीं होती। तो ये देखने के लिए हम 50 घंटे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और देखते हैं कि आखिरकार ये जगह जाती कहां पर है। कुछ भी तो नहीं आ रहा यार, लोगों को एपिक एपिक चीजें मिल रही हैं, भैंस की अक, मेरे को बायोम नहीं मिल रही। ब्रो इतनी जल्दी से तो मैं हार नहीं मानूंगा। देख काम करते हैं गाइस, मुझे अपना सीट कॉपी करना होगा। तो मैंने अपना सीट कॉपी कर लिया और उसके बाद मेरे को जाना है यहाँ पर माइनक्राफ्ट एटलस के अंदर। यहाँ पर अपना सीट पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं कि फारलैंड हमसे कितनी दूर है। कम ऑन यार, ये बायोम कितना दूर हो सकता है? भैंस की आंख, कुछ नामो निशान है ही नहीं फारलैंड्स का। तो ये बायोम जनरेट होती है 12 मिलियन ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द मैप। 12 मिलियन ब्लॉक्स। 1 2 3 1 2 3 और साथ में करेंगे 200 एंड एंटर। पता नहीं कहां पर लेके जाएगा मेरे को और कहां पर गिराएगा। और ये देखो, मेरे को फारलैंड मिले ही नहीं। भैंस क्या उसको गेम प्ले में मिल रही है, मेरे को चीट करके भी नहीं मिल रही है लैंड। और अभी मेरे को अपना रेंडर डिस्टेंस पूरा करना। मैं एक्चुअली ये ढूंढ के ये वीडियो खत्म करूंगा। जहां पर भी होगी फारलैंड, भैंस क्या पाताल में से निकाल लेंगे इस लैंड को। कम ऑन यार, मैं इतनी दूर आ चुका हूं ना कि गेम लोड होने का नाम ही नहीं ले रही। और ये देखो, विलेज के पास एकदम ओशन मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो वो रहा ओशन मॉन्यूमेंट और ये रहा अपना विलेज। और विलेज कहां पर ना, बिल्कुल ग्रेवल के ऊपर। तो गाइस, जितनी दूर मैं माइनक्राफ्ट के अंदर जा रहा हूं, उतनी अजीब अजीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। ओके गाइस, अभी थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि इन लोगों ने फारलैंड एक्चुअली में रिमूव कर दिया माइनक्राफ्ट के नए वर्जन्स में। तो हम अभी लोड करेंगे माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन्स। और अभी गाइस, मैं आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के बहुत ज्यादा पुराने वर्जन पर। आई डोंट थिंक ये वर्जन लोड भी होगा। तो ये है 1.7.3 और मैं जैसे ही इसको लोड कर रहा हूं, ये लिटरली क्रैश हो रहा है। और अभी गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर और पीछे जाएंगे। तो हम लोड कर रहे हैं 1.6.2। भाई साहब, तो काम करते हैं, यहाँ पर मेरे को नया वर्ल्ड बनाना होगा। क्रैश मत हो यू प्लीज।
और ये एक्चुअली में लोड हो रहा है। ये देखो गाइस, ये रही हमारी पुराने जमाने की माइनक्राफ्ट। और अगर मैं अपने आप को 12 मिलियन ब्लॉक्स अवे टीपी करूं तो मुझे देखना क्या होगा। टीपी हो रहा है यहाँ पर। भाई साहब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि गेम एक्चुअली लोड होने में टाइम ले रही है और मेरे दूर दूर तक समंदर ही है। भाई किधर है वो यार, वो फारलैंड किधर है? ये वर्जन गाइस इतना पुराना है कि यहाँ पर इस समय इलेक्ट्रो भी नहीं होती थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह जाऊँ फारलैंड देखने के लिए। मेरे को आज देखनी है फारलैंड। और ये कितनी स्केरी लग रही है यार, ये पुराने जमाने की माइनक्राफ्ट और उस समय जंगल बायोम भी थी। ओ माय गॉड, एक काम करते हैं, एक ब्रांड न्यू मैप लोड करते हैं। आई थिंक ये वाला मैप थोड़ा बहुत ग्लिच हो चुका है। कम ऑन प्लीज प्लीज। और आप भी अगर मैं टीपी करूं अपने आप को 12 मिलियन ब्लॉक्स, कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे को बकरियां बुकरियां मत दिखा, मेरे को फारलैंड देखनी है। ओके गाइस, अभी बहुत हो गया, अभी हम लोड करेंगे माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन, यहाँ पर तो होनी चाहिए। अरे मेरा ब्रांड न्यू वर्ल्ड जनरेट हो रहा। तो गाइस ये रही माइनक्राफ्ट का सबसे पहला वर्जन। भाई एक बायोम देखने के लिए मेरे को कहाँ कहाँ आना पड़ रहा है। अरे यहाँ पर तो कमांड्स भी नहीं चलती थी उस समय। भाई अब मैं टीपी कैसे करूंगा? मेरे को एग्जैक्टली लोड करना है B1.8 जो कि मेरे को बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा किधर है यार। बी ये रहा, इस वाले वर्जन में हो सकता है। ओ भाई नया वर्ल्ड यहाँ पर लोड हो रहा। ओ माय गॉड, ये एक्चुअली माइनक्राफ्ट के पहले वर्जन से भी पहले की बात है। और अभी मैं ट्रैवल कैसे करूंगा क्योंकि अगर मैं टी दबा रहा हूँ वाई दबा रहा हूँ कुछ भी कमांड लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है। और क्रिएटिव तभी आएगा जब आप गेम एग्जिट करके सेट करोगे, तो गेम के अंदर मैं मोड चेंज भी नहीं कर सकता। और अभी मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करने होंगे 12 मिलियन ब्लॉक्स। तो मेरे को ये क्या आ रहा भाई, मेरे को तो पता भी नहीं है ये। बट 12 मिलियन ब्लॉक्स को ट्रैवल करने का मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं एक्चुअली हवा के अंदर जा सकता हूँ और मेरा कोई शौक नहीं है 12 मिलियन ब्लॉक से पैदल कवर करने का। दूसरा, मुझे माइनक्राफ्ट हैक करनी पड़ेगी। और ये रही गाइस मेरी माइनक्राफ्ट की फाइल जो कि इस वर्ल्ड की है, जो कि मैंने स्टार्ट किया पुराने वाले वर्जन में। और मेरे को छेड़खानी करनी है इस वाली फाइल से। बेसिकली मुझे इस फाइल के अंदर जाना है और मुझे अपना स्पॉन पॉइंट जो है वो चेंज करना है। मेरे को एक्चुअली डर लग रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम कभी किया भी नहीं है और मेरे को पता नहीं कि इस फाइल को चेंज करने से माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर क्या लोड होगा। बट एनीवेज, सबसे पहले मुझे इस वाले एरो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर क्लिक करना, इन सब में से एक फाइल हो सकती है। आई बिलीव ये पोजीशन वाली फाइल होगी। और ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट्स XYZ। तो फिलहाल गाइस मेरा प्लेयर जो है इस वाली लोकेशन के ऊपर खड़ा है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके देखूं और मेरे को अभी ये वैल्यू चेंज करने, तो फारलैंड ऑब्वियसली है 12 मिलियन ब्लॉक्स दूर। तो अभी मुझे यहां पर टाइप करना पड़ेगा 12550। अभी मेरे को पुरानी वाली फाइल यहाँ से डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करनी है और फाइनली डालते हैं अपनी कस्टमाइज वाली फाइल। और अगर मैं अभी अपनी माइनक्राफ्ट लोड करूं, प्लीज प्लीज मेरे को दिखा दे कि मैं कहां पर जाना। मेरे को दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा यार, नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। आई थिंक गाइस मैं गलत वर्जन पर देख रहा हूं। तो एक काम करते हैं, फाइनल ट्राई, एक वर्जन और पीछे आते हैं। और अभी हम लोड करेंगे ओल्ड वर्जन 1.7। ठीक है, क्या पता हीरो पॉइंट मिल जाए, आई डोंट नो। ओ माय गॉड, और ये इतना पुराना वर्जन है ना कि यहां पर क्रिएटिव का ऑप्शन भी नहीं है। लाइक ऑप्शन है ही नहीं यहां पर क्रिएटिव का। कम ऑन, अब की बारी, चल। कितना स्केरी लग रहा है यार, ये एक्चुअली हीरो ब्राइन बायोम लग रही है मेरे को। मैं 3 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे हुआ नहीं है। एंड फाइनली गाइस, जो फारलैंड के बारे में किताबों में सुना था, फाइनली हमें वो मिल चुकी है। बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा है यार, मेरी गेम में हिल भी नहीं रही और मेरे को हिलना भी नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और गाइस एक बार फिर से मैंने ट्राई किया और अभी मैं आ चुका हूँ पानी के अंदर। और यहाँ पर देखो, ओ माय गॉड, कितना स्केरी लग रहा है। मैं बता नहीं पा रहा कि कितना स्केरी लग रहा है मेरे को ये। गाइस मेरी गेम इतनी लैग हो रही है ना कि मैं बता भी नहीं पा रहा। बट एनीवेज गाइस, जिस चीज को हम बहुत टाइम से खोज रहे हैं फाइनली हमने खोज ली। तो चलिए गाइस, छोटी सी वीडियो इतना काफी है। मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको मजा आया, ये बायोम देख के मजा आया, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।